हेलो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपसे कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो। हेलो ट्रिक मास्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के एक फ्रॉड के बारे में, जो कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब फ्लिपकार्ट ऐसा कैसे कर सकता है किसी के साथ। अगर मतलब मैं कुछ चीज़ें बुक करने बैठा हूँ तो फ्लिपकार्ट ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से यार कुछ लोगों को गलत प्रोडक्ट ही मिल जाए। तो बेसिकली गाइस, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो कि मैं यार पोको का F1 बुक करने जा रहा था 29 तारीख को, जब की फर्स्ट सेल थी उसकी। और यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट वालों ने ये भी बोला कि 5 मिनट में 1 लाख फ़ोन बेच भी दिए उन्होंने। बट गाइज, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि जब मैं पोको का F1 बुक करने बैठा तो यार नॉर्मली मैंने एक्सटेंशन लगाया, वहाँ पर ऑटो चेकआउट पर क्लिक करा और उसके बाद मैंने पेमेंट COD रखी थी। और यहाँ पर मेरे साथ एक क्या हुआ, मेरे साथ ये हुआ कि मैं जब बुक करने बैठा और पोको F1 की जगह मेरे कार्ड के अंदर रेडमी नोट 5 प्रो जा रहा था बार बार। आई एम लिटरली शॉक्ड कि यार ये कैसे हो रहा है। मैं एक्सटेंशन से करने की कोशिश कर रहा था तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पोको का F1 एक्सटेंशन के द्वारा बुक कर रहा था, वो ऑटो बाई कर रहा था बार बार रेडमी नोट 5 प्रो को, जबकि मेरे एक्सटेंशन पे कहीं पर भी रेडमी नोट 5 प्रो जो है टिक नहीं हो रखा था। बट मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, इस एक्सटेंशन में क्या पता बग हो सकता है, एक्सटेंशन ख़राब हो सकता है, तो मैंने एक्सटेंशन को हटा दिया। अब यहाँ पर मैं मैन्युअली करने की कोशिश करा तो मैन्युअली करते हुए देखा यार क्या सीन है। मतलब मेरा ये सीन ये हुआ कि भाई ये तो दोबारा मेरा पोको F1 ले रहा है, और हर बार मैंने जितनी बार ट्राई करा उतनी बार मेरा पोको F1 ही बुक हो रहा की जगह रेडमी नोट 5 प्रो बुक हो रहा था। बॉस मेरा मतलब मत्था ही बिल्कुल सनक गया कि ये कैसे हो सकता है। अगर सपोज करो मैं गिफ्ट कार्ड इस्तेमाल कर रहा होता और यहाँ पर मैं ऑटो चेकआउट कर रहा होता एक्सटेंशन से, तो यार मेरा तो पोको F1 की जगह मेरा रेडमी नोट 5 प्रो बुक हो जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि यार आप सभी को पता है कि फ्लैश सेल के दौरान बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि हमारा माइंड इतना शार्प नहीं हो पाता कि हम क्या बुक करें। हम तो भरोसा करते हैं भाई एक्सटेंशन जो कार्ड में डाल रहा है वो सही प्रोडक्ट डाल रहा है, बट यहाँ तो यार फ्लिपकार्ट कुछ और ही खेल खिला रही है। तो फ्लिपकार्ट ने कल मैंने बात करी और भी लोगों से तो मुझे पता चला कि मेरे साथ ही ये नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो पोको F1 बुक करने बैठे और उनका बुक हो गया रेडमी नोट 5 प्रो। और ऐसे ही में क्या पता ये सर्वे गलत हो कि उन्होंने पोको F1 की जगह रेडमी नोट 5 प्रो भी अपने बेच डाले हैं। ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है कि ये इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो सकता है। और बहुत सारे लोगों की जो पेमेंट है उन्होंने गिफ्ट कार्ड कर रखा था और कुछ लोगों ने कार्ड के द्वारा पेमेंट करी थी, तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बुक कर रहे हैं। जब उनका पेमेंट कट गया, जब उन्होंने देखा कि मेरा रेडमी नोट 5 प्रो बुक हो गया है, तो उन्होंने कैंसिल करा, फिर रिफंड के लिए करा और रिफंड उनका अटका दिया है 14 दिनों के लिए। तो गाइज, ये एक फ्रॉड था फ्लिपकार्ट का, एक स्कैम था, जो मुझे बहुत बुरा लगा कि लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है। गाइज, इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे शेयर करना ताकि आप सभी दोस्तों को पता चल सके कि यार क्या फ्रॉड चल रहा है, फ्लिपकार्ट कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं नए नए तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये वीडियो बनाई थी आपके अवेयर करने के लिए कि आप जब भी एक्सटेंशन से बुक कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार ध्यान देना कि आपका कौन सा प्रोडक्ट जो है कार्ड के अंदर जा रहा है, अगर आप प्रीपेड यूज़र हैं तो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।